ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है सुशासन सप्ताह के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक विकास और सुशासन के महत्व पर एक चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। नमस्कार, मंथन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक आर्थिक विकास में सुशासन के महत्व पर। जहां तक सुशासन की बात है तो ये शासन के आगे की चीज है। इससे प्रशासन के तरीके में और अधिक दक्षता का विकास होता है, जिससे उसकी वैधानिकता भी बढ़ती है और साख में भी बढ़ोतरी होती है। इसमें राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, कानूनी बाध्यता, सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावकारिता जैसे कई बिंदुओं को रखा जाता है। सुशील जी, सीधा हम आज के विषय पर आते हैं तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देश में सामाजिक आर्थिक विकास में सुशासन का क्या महत्व है, और जब हम 19 से 25 दिसंबर 2022 के बीच में सुशासन सप्ताह मना रहे हैं तो इसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है। निखिल जी, सबसे पहले मेरा आभार, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। सुशासन इस देश की मानसिकता को, इस देश की प्रजा को या नागरिकों को देखने के दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। हम एक लंबे काल तक विदेशी दास्ता में रहे और औपनिवेशिक शासन में रहे, उसमें शासन का और देश का जो संबंध था वह आमूलचूल बदलने की आवश्यकता थे। उसमें शासन के उद्देश्य भिन्न थे, इसलिए मानसिकता और दृष्टिकोण अलग था। तो जो शासन के विभिन्न तंत्र के विभिन्न अव्यय होते हैं, अंग होते हैं, उनका जो रिश्ता देश के साथ था, उसके दृष्टिकोण को, उसकी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता थी, जिस ओर संवेदनशीलता की कमी रही। इसलिए न्याय व्यवस्था हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, अफसरशाही हो या फिर कानून ही क्यों ना हो, प्रक्रियाएं क्यों ना हो, इसमें बदल का कोई प्रयास दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि इस ओर प्राथमिकता नहीं रही। अब पिछले कुछ वर्षों में शासन ने जब इसको बदलने का प्रयास किया है तो दिखता है कि एक संवेदनशीलता है। पुराने कानून बदले जाएं, पुरानी प्रक्रियाएं बदली जाएं, दृष्टिकोण बदला जाए, मानसिकता बदली जाए और एक सेवा भाव उत्पन्न हो, प्रदायगी की ओर अग्रसर हो प्रशासन, नागरिकों को अपने चिंतन में अपनी प्राथमिकताओं के एकदम मध्य में रखा जाए, उद्देश्यों में वह प्राथमिकता झलके और वो प्रतिबद्धता झलके। इसलिए एक लोकतंत्र में, एक ऐसी व्यवस्था में जो समाजोन्मुखी है, राष्ट्रोन्मुखी है, उस व्यवस्था में ये प्राथमिकताएं हों और उसकी कार्यवृद्धि में, उसकी प्रक्रिया में, उसकी प्राथमिकता में ये दिखाई पड़े, ये आग्रह हो और इसका नतीजा भी अनुभव किया जा सके, नागरिक इसे देखें, इसे पहचानें और इसे महसूस करें, ये एक आवश्यकता थी। और इसके लिए अफसरशाही बदले, उसका दृष्टिकोण बदले, उसकी नीतियां बदलें, उसकी प्राथमिकताएं बदलें और वह संवेदनशील हो इस दिशा में कि कार्यक्रम और नीतियां जो हैं उनका फल पहुंच रहा है नागरिकों तक कि नहीं, और नागरिक इसको महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं। उसमें पूरा देश फिर कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है, उनको अपनाता है। आज जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की घोषणा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर प्रधानमंत्री कहते हैं या कोविड से पूरे के पूरे राष्ट्र को कमर कसने के लिए कहते हैं और राष्ट्र उसमें जुटता है, तो वो इसी संबंध का प्रतिफलन है। ये जो संबंध को परिभाषित करने का प्रयास है नई नीतियों द्वारा, नए कार्यक्रमों द्वारा, एक नए मानसिकता और दृष्टिकोण द्वारा, तो पूरा राष्ट्र उसमें कमर कस के जुड़ता है, सरकार के कार्यक्रमों में जुड़ता है, उसको अपनाता है, उन नीतियों को, उन लक्ष्यों को अपनाता है। ये प्रतिफलन मिलना एक लोकतंत्र में, एक देश के लिए बहुत आवश्यक है और इसलिए इस तरह की नीति और इस तरह का कार्यक्रम देर से ही सही, लेकिन अब आया है तो इसका लाभ पूरा देश उठाएगा, मिलेगा और एक त्वरित गति से हम विकास को और राष्ट्रीय एकजुटता को, एक राष्ट्रीय पहचान को, भारत के नागरिक होने के गर्व को अनुभव कर पाएंगे। आज के दौर में प्रशासनिक मशीनरी काम तो करती ही है और उसके परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जहां तक लागत की बात आती है तो अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे देश में जो होता है लागत के हिसाब से, उसके लिए सुशासन की किस तरह की भूमिका हो सकती है? ये मानने में कतई संकोच नहीं करना होगा कि भ्रष्टाचार हमारी सार्वजनिक और नागरिक व्यवस्थाओं में बहुत भीतर तक घुस गया था और सुशासन का एक प्राथमिक कर्तव्य पारदर्शिता है। कोई भी अपराध तभी फलता पनपता है जब उसके आसपास अंधेरा हो,
उसके विषय में सूचनाएं और जानकारियां नहीं हों तो लालच और इस तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति को बल मिलता है। जब पारदर्शिता हो, प्रकाश हो, सबके सामने हो, तो एक भय, एक संकोच उत्पन्न होता है अपराध के प्रति। इस पारदर्शिता को सुशासन में लाना और फिर उससे लागत को कम करना, सरकारी तंत्र को बहुत एफिशिएंट बनाना, उसमें लग रहे करदाताओं के कर के पैसे का सदुपयोग होना, ये सुशासन के सबसे पहले और सबसे ऊंचे लक्ष्यों में से एक है। एक देश जहां कर वंचना हो रही थी, जैसे आज जीएसटी जो है वो कई गुना अधिक कर जुटा रहा है देश के लिए, तो देश कोरोना से लड़ पा रहा है, जो असहाय हैं उनको अन्न दे पा रहा है, पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण करा पा रहा है। ये तभी संभव है जब पारदर्शिता है कर को लेकर के, करदाताओं को लेकर के, और उससे जुड़े हुए जो खर्च हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनको लेकर के। तो ये जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उसमें पारदर्शिता आए और पारदर्शिता के माध्यम से उसमें एक नया एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आए, लागत कम हो और जो खर्च कर रहे हैं जिनके माध्यम से ये व्यवस्था की जा रही है वो और अधिक संवेदनशील बने करदाताओं द्वारा दी गई राशि को खर्च करने में, ये सुशासन के सर्वप्रथम सर्वोच्च उद्देश्य में से एक है। सुशील जी, कई बार पूरी लगन से प्रयास करने की जो स्थिति होती है उसमें भी हमें बदलाव नजर नहीं आता है, तो क्या इस तरह की स्थिति देश का जो विकास है उसमें भी हमें देखने को मिलती है? और यदि ऐसा है तो सुशासन के माध्यम से इसमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है? देखिए, कुछ आदतें होती हैं जिनको बदलने में समय लगता है, कुछ कार्यक्रम और नीतियां, जैसे सरकार की प्रामाणिकता पिछले 70 वर्षों में घटी नागरिकों की नजर में, भ्रष्टाचार को लेकर के या एफिशिएंसी, प्रतिबद्धता को लेकर के। कई बार लगता था कि ये जो नारे दिए जा रहे हैं इनके पीछे इनकी विश्वसनीयता की, इनकी प्रामाणिकता की कमी है, और इसलिए देश जुटता भी नहीं था। और सब्सिडी को सिर्फ मांगना, सिर्फ अधिकार को आग्रह के साथ प्रस्तुत करना, ये एक नियति बन गई थी इस देश की। और छोटे छोटे वर्ग, छोटी छोटी प्राथमिकताएं, छोटी छोटी सुविधाएं, इनको लेकर के लड़ते रहना एक हमारी नियति बन गई थी। लेकिन जब प्रामाणिकता आती है तो लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का बोध भी करने लगते हैं, और यही इसका एक फल है कि लोगों ने स्वेच्छा से अपने एलपीजी के गैस कनेक्शन जो हैं उसकी सब्सिडी छोड़ी, लोगों ने स्वेच्छा के साथ सरकार के कई कार्यक्रमों में भाग लिया, जीएसटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, कर चुकाए। इसी तरह जो सरकार का प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्यक्रम है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिस्टम है, उसमें भाग लिया और उस पूरे कार्यक्रम को सफल किया, तो ये धीरे धीरे आने वाले कुछ सुधार हैं। ये एकदम कुछ सुधार नहीं आते, कुछ सुधार आ भी जाते हैं, सरकारी नीतियों के कारण आप एकाएक कुछ सुधार लाने में सफल होते हैं, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है उसमें भी थोड़ा समय लगता है और उसके परिणाम आने में समय लगता है। एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसमें प्रामाणिकता पुनः सिद्ध करना और लोगों में इसके प्रति विश्वास जगाना और फिर उनको साथ लाना, इसमें समय लगता है। लेकिन हम देख रहे हैं, पूरा राष्ट्र देख रहा है कि ये हम इस दिशा में अग्रसर हैं। सरकार की संवेदनशीलता बढ़ी है, सरकार की प्राथमिकताएं बदली हैं, और उसके साथ फिर देश इन परिणामों का अनुभव भी कर पा रहा है। सरकार का यही मानना है कि संसाधनों का उपयोग हमें सावधानी पूर्वक और समझदारी से करना चाहिए, और इसका एक पहलू ये भी हम देखते हैं कि जिस मात्रा में संसाधनों का व्यय होगा उसी मात्रा में परिणाम भी हमें हासिल होंगे। तो इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? मुझे इस बात पर थोड़ा सा एक नजरिया और पहलू है कि हम लोग खर्च के माध्यम से परिणामों को तोलते हैं। खर्च और परिणाम दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, खर्च होगा तो शायद परिणामों की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन खर्च ही परिणामों का एक मापदंड बन जाए, उससे आउटकम्स जो है, जो परिणाम है, वो एक अच्छी समझ और एक अच्छी योजना और उसके अच्छे क्रियान्वयन, उसके किफायती क्रियान्वयन का परिणाम हो सकता है। अगर आपकी योजना के बीज में ही गलत सूचनाएं हैं या समझ की कमी है तो आप कितना भी खर्च कर लीजिए वो चला जाएगा।
और इसी तरह यदि आपकी प्रतिबद्धता में कमी है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप खर्च करते चले जाइए, पैंदे में छेद है तो पानी जमा नहीं हो पाएगा। इसलिए खर्च एक मापदंड नहीं हो सकता, व्यवस्था, योजना, उसके क्रियान्वयन, प्रतिबद्धता, ये सब प्रामाणिकता के आमूलचूल विषय हैं जो अंततोगत्वा परिणामों को परिभाषित करते हैं। और उसके लिए हम ठीक समर्थ, ठीक कौशल और ठीक मानव संसाधन जुटा करके काम कर सकें, ये बहुत आवश्यक जी। और जहां तक आज के दौर की बात है तो मोदी सरकार का पारदर्शिता पर विशेष ध्यान केंद्रित है। चाहे कोई भी योजना हो, सरकार पूरी तरह से पारदर्शी होकर काम कर रही है और कराना भी चाहती है। तो आप मानते हैं कि जनता के हित में निर्णय लेने का अब जो तरीका है वो पहले की अपेक्षा काफी परिवर्तित हुआ है? जी, लोगों को भूलना नहीं चाहिए, आज से ठीक 10 वर्ष पहले जब अन्ना आंदोलन चला था तो पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर के जो एक अकुलाहट थी, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था, लाखों करोड़ों रुपए अपव्यय में जा रहे थे, वो एक काल था। आज पिछले 7-8 वर्षों में किसी भी बड़े भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। तो राजनीतिक स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो गया हो ऐसा मैं नहीं मानता, मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन ऐसे कोई तथ्य सामने, कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। जबकि इस तरह का विषय एक आए दिन की बातचीत और घटना हो गई थी, अखबार और सूचना तंत्र रंगा रहता था इन सुर्खियों से कि अमुक विषय में, अमुक मंत्रालय में, अमुक नीति में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार एकदम शिखर नेतृत्व से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, जिसमें आप हर काम को एक नीति के माध्यम से और एक व्यवस्था के माध्यम से करते हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति कोई राग द्वेष या कोई भेदभाव संभव ही नहीं रह पाता, इस तरह का प्रशासन पारदर्शिता के मूल में है। तो अभी टेंडर्स को ई टेंडर्स में बदलना और उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप को पूरी तरह निकाल देना, हटा देना, सरकारी सेवाओं के निजीकरण में एक खुली नीति अपनाना जिसमें कोई भी आकर दावेदारी कर सके और उसके प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बनाना कि इस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके, इस तरह की नीति अपनाकर घोटालों से हम लोगों ने मुक्ति पाई है। और ये अब निचले स्तर तक, छोटे लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, क्लर्क्स के लेवल पर, छोटे अधिकारियों के लेवल तक भी जाए और वहां नागरिक अपने आम रोजमर्रा के लेन देन में इस पारदर्शिता को और इस प्रामाणिकता को अनुभव कर सके, ये एक बड़ी चुनौती है। जी सुशील जी, अब कार्यक्रम का समय हमारे पास बहुत ही सीमित बचा है, बस एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। चूंकि भारत अब G20 का अध्यक्ष है तो ऐसे समय में सुशासन में विश्वसनीयता लाने और नागरिकों की समान सहभागिता बढ़ाने के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। G20 का अध्यक्ष बनना आपको विश्व की जो बड़ी पहली पंक्ति के देश हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, नीतियां हैं, उनको वैश्विक स्तर पर ला पाना, उनको एक स्तर देना, उनको प्रामाणिकता देना, ये एक बड़ी चुनौती है। और देश अपनी चुनौतियों से जूझते हुए विश्व के पटल पर कैसा उदाहरण रख सकता है G20 की अध्यक्षता रखते हुए, इसको हमारे प्रधानमंत्री ने अवश्य जांचा होगा, देखा होगा। मैं समय के अभाव में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि क्या हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के अवसर में कैसे साख खोई थी, जबकि वो साख बनाने का अवसर था। आज G20 की अध्यक्षता में हम वो साख कैसे बनाएंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट प्रधानमंत्री जरूर दिखाने में सक्षम हो पाएंगे हमें, मुझे इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। इस सक्षम प्रधानमंत्री से ये पूरे देश की अपेक्षा भी है। जी सुशील जी, कार्यक्रम में हमसे चर्चा करने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई इस चर्चा में भाग लेकर, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुशासन सप्ताह के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक विकास और सुशासन के महत्व पर चर्चा। भाग ले रहे थे राजनैतिक विश्लेषक सुशील पंडित और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है हमारा AIR NSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर।